नमस्कार दोस्तों, इक्विटी एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग महिला आंदोलन या फिर वुमेन मूवमेंट को देखेंगे। देखिए, महिला आंदोलन को समझना है तो देखिए एक चीज देखना होगा कि किसी भी समाज में या किसी भी समाज का निर्माण महिला और पुरुष दोनों के संयोग से और एक दूसरे के सहचर्य से बनता है। क्योंकि अगर हम महिला 50% महिला को सामान्यतः इतना होना चाहिए, लेकिन 48 या 49% तक महिला का एक सेक्स रेशो के आधार पर होता है। लेकिन इस आधार पर भी हम देखें तो अगर किसी समाज में महिला को उसका अधिकार नहीं दिया जाता है तो कहने का अर्थ है उस समाज की आधी पॉपुलेशन के साथ हमने अन्याय कर दिया है। अगर हम इतिहास के और विश्व के किसी भी जगह जाकर देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ है तो महिला है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब इस बात को हम समझने की कोशिश करें तो हमें देखना होगा कि ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज में नारी की स्थिति क्या थी। ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज में नारी को स्वतंत्रता मिली हुई थी, समानता थी। उस काल में हमने गार्गी जैसी विदुषी पैदा की और उस समय जो सभा समिति जो होती थी, सभाओं में महिला को पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। इसके साथ साथ बहुत सारी ऋचाएं और बहुत सारे मंत्र महिलाओं ने ऋग्वैदिक पीरियड में लिखे। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा और पुरुष का डोमिनेंस होना शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल में या लेटर वैदिक पीरियड में, जब जात व्यवस्था हुई और पुरुष का डोमिनेंस बढ़ना शुरू हुआ तो महिलाओं के अधिकार हमने कम करने शुरू कर दिए। महाजनपद का दौर आता है, बुद्ध धर्म आता है और बुद्ध धर्म ने भी, जिसको कि भारतीय समाज में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी धर्म माना जाता है, उसका भी नारी को लेकर दृष्टिकोण बड़ा ही सीमित रहा है। नारी को उन्होंने स्वतंत्र नहीं माना है, या तो पिता के अधीन माना है या पति के अधीन माना है। बुद्ध धर्म जो वैश्या को स्वतंत्र मानता है क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन नारी स्वतंत्र नहीं है। इस आधार पर हमारा जो बुद्ध धर्म है वो भी उन्हीं संकीर्णताओं से घिरा हुआ था या बंधा हुआ था जिससे अन्य धर्म बदले। गुप्त काल में आकर 510 के आसपास पहली बार एरण अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है और यहां से नारी के शोषण की शुरुआत होती है। और फ्यूडलिज्म और सामंतवाद के जो शुरुआत हुई उसने और नारी को घर की चौहद्दियों में बंद कर दिया। भक्ति मूवमेंट जो भारतीय समाज में सबसे ज्यादा मध्यकाल का प्रोग्रेसिव मूवमेंट कहा जाता है, और कबीर और तुलसी जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कवि हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन की राह निकाली, वो भी कुछ ना कुछ सीमित अर्थों में नारी को लेके संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं। कबीर नारी की तुलना सांप से करते हैं, अंधा होत भुजंग कहकर, और वहीं तुलसी के यहाँ पर भी नारी को लेकर एक सीमित दृष्टिकोण नजर आता है। निस्संदेह लोगों का मानना है कि जो कबीर और जो तुलसी के जो नारी पे विचार है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीमित है। और अन्य अर्थों में देखा जाए जिस तरीके से वो अन्य पक्षों पर, चाहे धर्म हो, जात व्यवस्था हो, अर्थ व्यवस्था के मुद्दे हो, उन पर समाज में एक बात को रखते हैं, नारी के शोषण और नारी की स्वतंत्रता को उस तरीके से कबीर और तुलसी भी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा को समझें, सूर को समझें, मीरा को समझें, तो ये भक्ति ही नहीं है, भक्ति के जरिए नारी की स्वतंत्रता की राह है। गोपियों को जो स्वतंत्रता दी गई, प्रेम करने की बात की गई, अपनी बात को जो रखने का अधिकार दिया गया, वो एक तरीके से सामंतवादी समाज में, पैट्रियार्कल सोसाइटी में, पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्वतंत्रता का एक उद्घोषक है।
और नारी की स्वतंत्रता को एक कल्पना करके कवि बता रहा है कि नारी को यही अधिकार मिलने चाहिए जो एक पुरुष को मिले हुए हैं। हमको देखना होगा कि जब आज के समय में भी जब हमारे लगभग 70-80% महिलाएं या तो अपने पति के नाम से या पिता के नाम से या बेटे के नाम से जानी जाती है या फिर अपनी ज्वेलरी के बेसिस पे जानी जाती है, आज से करीब 600 साल पहले सूरदास यशोदा को न तो कृष्ण की माँ बुलाते हैं ना ही नंद बाबा की पत्नी बुलाते हैं, वो सीधे यशोदा बुलाते हैं। वो यशोदा को उसकी यशोदा की आइडेंटिटी से बुलाते हैं, नारी को नारी की आइडेंटिटी से बुलाते हैं और पहली बार नारी को उसकी स्वतंत्र अस्तित्व और स्वतंत्र आइडेंटिटी को स्थापित कृष्ण भक्ति के द्वारा सूरदास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सामंतवाद और बढ़ता है, मुगल अकबर शाहजहां के दौर में जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, छोटे छोटे राजा होते हैं, वो अपने भोग विलास में व्यक्त हो जाते हैं, नारी एक कमोडिटी की वस्तु बन जाती है जिसको। लेकिन अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज जब अपने साथ रूल ऑफ लॉ लेके आए और उन्होंने इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस के संकल्पना को लेके आए, तो उन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियां महिला को लेकर प्रवेल हो गई थी उनको लेकर उनको दूर करने का प्रयास किया। और बेंटिक साहब ने पहली बार सती प्रथा को दूर कराने के लिए प्रयास किए और उसी दौर में कुछ इंग्लिश पढ़े लिखे लोग और जो नवजागरण से जुड़े हुए लोग या पुनर्जागरण से जुड़े हुए लोग जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन लोगों ने नारी उद्धार के लिए कार्य किए और यहीं से आके हमको अपने समस्त महिला आंदोलन को देखना होगा। अगर यहाँ पे आके हम देखें तो इसको हम कुछ चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला 1830 से लेके 1920 का चरण या फिर जिसको हम कई बार आर्य समाजी चरण भी कह देते हैं, आर्य समाजी फेज। दूसरा 1920 से लेके 1950 तक इसको गांधीवादी चरण कहा जाता है। तीसरा चरण 1950 से लेकर 1970 तक का चरण इसको संवैधानिक या संवैधानिक चरण भी बोला जाता है और इसको थर्ड फेज भी बोल दिया जाता है। फोर्थ फेज 70 से लेकर अब तक। देखिए अब हम एक एक फेज को उठाएंगे। जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में जो नारी को लेकर जो उद्धार की बात की गई उसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं थी। पहला, ये एक पतिव्रता और नारी में जो नारी के जो अधिकार थे वो नारी के अधिकार का प्रश्न नहीं था, यहां पर करुणा था, अधिकार का प्रश्न नहीं था। नारी के स्वतंत्र एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया गया, नारी के स्वतंत्र एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया गया, एग्जिस्टेंस को या अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा, कि ये करुणा मूलक था, नारी के प्रति दया की भावना थी, करुणा दया, नारी एक विशेष प्रकार की एक दया की थी, एक पशु की तरह थी। तीसरा, ये पुरुषों के द्वारा चालित दौड़ था, पुरुषों के द्वारा चालित दौड़ था। अगर कुछ महिलाएं भी थी तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा और अपना नाम बदलकर वो लोग पुरुष रूपी नाम लिखकर कृतियां लिखती रही, अपनी बात को रखती रही। इसके साथ साथ अगर हम इस दौर में देखें तो इस दौर में सरकार के द्वारा कुछ नीति बनाई गई और एक मास मूवमेंट नहीं बनाई गई, ये मास मूवमेंट का दौर नहीं था, ट्रिकल डाउन था, ऊपर से आया हुआ था, थोपा हुआ था, ट्रिकल डाउन का था, ट्रिकल ऊपर से नीचे की ओर आया था, न कि नारियों के जरिए एक स्वतंत्र अपने अधिकारों की मांग इस समय पर की गई। अगर इस दौर में देखें, प्लस जो औपनिवेशिक सत्ता थी उसने कुछ परिवर्तन किए, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा प्रयास किए गए,
वहीं जो आर्य समाजी लोग थे उन्होंने एक पतिव्रता नारी को उस नारी को अच्छा बताया, नारी के लिए प्रयास तो किए लेकिन उस नारी के लिए ताकि एक पतिव्रता नारी बनाई जा सके, वो नारी अच्छी है जो अपने पति की सेवा करे। तो कहने का अर्थ है नारी को इस दौर में पुरुष के बाहर और समाज की चौहद्दियों से और जो समाज के जो पैट्रियार्कल मूल थे उनसे बाहर नहीं किया गया। इस दौर में ईश्वरचंद विद्यासागर साहब ने, जो हम जानते हैं कि विधवा विवाह है, विधवा विवाह को लेकर एक जो आंदोलन चलाया और 1856 में पहला विधवा विवाह कराया, और तो ये जो चरण था एक तरीके से देखा जाए तो इसके कुछ बहुत प्रभाव नहीं रहे, लेकिन एक इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए और स्वतंत्र शुरुआत करने के लिए इस चरण का एक अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। दूसरा चरण जिसको हम गांधीवादी चरण कहते हैं, गांधीवादी चरण में हम जैसा कि जानते हैं कि गांधी जी के सामने मूल प्रश्न था किसी भी तरीके से जो नेशनल मूवमेंट था, अंग्रेजी सत्ता के प्रति जो एक मूवमेंट चलाया जा रहा था उसको एक मास मूवमेंट बनाया जाए और उसको पैन इंडिया बनाया जाए, हर वर्ग से, जात से, लिंग के भेद के परे जाके एक मूवमेंट बनाया जाए। हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन से महिलाओं की सहभागिता बढ़ी और हर आंदोलन तो बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं 1942 में आकर जो मूवमेंट था जब बड़े बड़े नेता लोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल चले गए तो आसफ अली हो, इस तरीके की जो लीडर्स थी उन्होंने, उषा मेहता हो, इन लोगों ने उस मूवमेंट को चालित किया। वहीं 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था, उस समय पर भी कुछ महिलाएं आईं जिसमें अक्रॉस द भारत हम देखेंगे उनका पार्टिसिपेशन था। लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी ये है कि इस मूवमेंट के दौरान महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रश्न नहीं उठाए, महिलाओं ने अपने स्वतंत्र अधिकारों के प्रश्न नहीं उठाए, अधिकारों के प्रश्न नहीं उठाए। दूसरा, ये राष्ट्रीय आंदोलन में एक केवल सहभागी के तौर पर नहीं, न कि लीडर बन पाए, राष्ट्रीय आंदोलन में एक सहभागी बनी। तीसरा, जो इस दौर का जो एक जो करैक्टरिस्टिक है नारी मूवमेंट की वो ये है कि जो नारियों को लेकर जो समस्त पार्टी था और जो नारियों का जो पार्टिसिपेशन था वो शहरी नारियों एवं मध्य वर्ग की महिलाओं का पार्टिसिपेशन या की सहभागिता इसमें रही। वहीं इसके साथ साथ अगर हम इस मूवमेंट को देखें तो इस चरण ने भी एक जो इनर्शिया था उसको और ब्रेक किया और एक आग लगाई कि धीरे धीरे नारियां बाहर निकली, उन्होंने शराबबंदी की, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए और नारियों के प्रश्न भी उठाए। तो हम देखते हैं कि हर पार्टी ने, चाहे कांग्रेस का पटल हो या उभरती हुई कम्युनिस्ट पार्टी हो, हर पार्टी ने नारियों को या महिलाओं को अपनी पार्टी में एक स्पेस दिया। आजादी के बाद जब हमको आजादी मिली, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो जो थर्ड चरण है उस चरण के दौरान जो मूवमेंट हुए, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 38 के तहत जो डीपीएसपी है इसके तहत नारियों को जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 15-16 के तहत किसी भी प्रकार के विभेद को मना किया गया है, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, राज्य सरकारी सेवाओं में या किसी भी अपनी चीजों में लिंग के आधार पर भेद नहीं करेगा, तो एक फंडामेंटल राइट के जरिए भी एक समानता का अधिकार दिया। इसी समय पर अगर हम देखें तो हमने वोट देने का राइट दिया, जब यूरोप में महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं था बहुत सारे देशों में, उस समय पर भी हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के जरिए अपनी नारियों को भी एक राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार एंश्योर किया। अगर हम इसी समय पर देखें तो एक जो चीज उभर कर आ रही थी कि वो ये थी कि जो नारियां जो उभर कर आ रही थी
कई बार शराब बंद, जो तेलंगाना जो मूवमेंट था उसमें महिलाओं जो पार्टिसिपेट कर रही थी, तेभागा जो मूवमेंट था उसमें नारियां पार्टिसिपेट कर रही थी, तो जो हिंसक मूवमेंट हो रहे थे, हिंसक एक्टिविटीज थी उसमें भी नारियां पार्टिसिपेट कर रही थी। जो 1950 से लेकर या 1945 से लेकर हम कहें 1970 तक के जो मूवमेंट है, इसी समय पर नक्सलवाद और नक्सलवाड़ी मूवमेंट भी शुरू होता है और इस मूवमेंट में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है। इस मूवमेंट तो देखा जाए तो इस समय पर जो मूवमेंट की जो धारा रही उसका करैक्टर ये था, ये एंटी फ्यूडल मूवमेंट था या सामंत के विरुद्ध मूवमेंट था, दूसरी तरफ एंटी स्टेट भी था, एंटी स्टेट भी था और एंटी कैपिटलिस्ट भी था, एंटी कैपिटलिज्म भी था। जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट था वो एंटी फ्यूडल था, इसके साथ साथ जो एंटी स्टेट भी कई बार जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट जिस तरीके स्टेट के विरुद्ध जो चीजें की जा रही थी, और कैपिटलिज्म इसलिए था कि जो महंगाई थी और जो नारियों को जो उनके जो परिवार को लेकर जो समस्याएं हो रही थी और जो बिजनेस वर्क और जो बड़े बड़े कैपिटलिज्म जो फायदे उठा रहे थे उसके विरोध भी महिलाओं ने किए, क्योंकि घर और घर की जो जिम्मेदारियां थी वो नारियों पे जाता थी। यहीं पर इसके बाद जो चौथा फेज होता है, इसकी शुरुआत 70 में, जब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज को समझना होगा 1970 से लेकर अब तक के फेज में, कि ये वो दौर है 70 का दौर जब पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है। पोस्ट मॉडर्निज्म का अर्थ है कि जो वंचित वर्ग है उसके जरिए से किसी थोपे हुए सत्य को स्वीकार न किया जाए और अपने आधार पर चीजों को उठाया जाए और प्रश्न किए जाए, कहने का अर्थ है डिसेंट्रलाइज्ड वे में चीजें की जाए। और इसी पोस्ट मॉडर्निज्म के आधार पर नारीवादी दृष्टिकोण भारतीय भी समाज में आया और नारीवादी दर्शन के साथ नारीवादी जो सोच जो पैदा हुई, तो जो नारीवादी जो दृष्टिकोण था किसी भी चीज को देखने का, जो दलित विमर्श है उसी तरीके से जो नारीवादी विमर्श है उसने इतिहास को लेकर, जॉब को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, राजनीति को लेकर हर चीज पे प्रश्न उठाए कि नारी का स्पेस क्या है। तो देखा जाए तो ये जो पहला समय है इस चरण ने, पोस्ट मॉडर्निज्म ने एक ऐसा शिफ्ट किया कि जब वास्तविक अर्थों में नारी ने अपने अधिकारों के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की, कि नारी के एक स्वतंत्र अधिकारों के लिए, नारी को और महिला को स्वतंत्र मानकर उसके अपने अधिकारों के लिए एक आंदोलन किया गया, अधिकारों के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी समय पर कुछ एनजीओ भी बने नारियों ने, जैसा हम जानते हैं इला भट्ट ने 1972 में एक सेवा नामक एनजीओ अहमदाबाद में शुरू किया जिसमें केवल वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था, छोटे मोटे चीज जैसे दरी बनाना, चटाई बुनना, इसके साथ साथ माचिस की तीली बनाना, उसके रैपर बनाना, तो ये जो सारी चीजें थी इससे नारी को एक आर्थिक एम्पावरमेंट मिला और इस आर्थिक एम्पावरमेंट ने उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और उस कॉन्फिडेंस की वजह से नारी ने पॉलिटिकल अधिकार की भी मांग की, एम्पावरमेंट की मांग की, सोशल एम्पावरमेंट की मांग की, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे यहाँ पर स्वतंत्र नारी विमर्श की। इस नारी विमर्श में जो सबसे बड़ा एक जो केंद्रीय बिंदु है वो है चिपको मूवमेंट। देखिए चिपको आंदोलन जिसको सामान्यतः एक एनवायरमेंटल आंदोलन माना जाता है, लेकिन ये जितना एक एनवायरमेंटल आंदोलन था उसके साथ साथ नारी आंदोलन था या महिला आंदोलन था। इसका रीजन ये है कि जो एनवायरमेंट का जो कंसर्न था उससे ज्यादा बड़ा ये नारी के अपने कंसर्न थे, जो महिलाओं को जो समस्या हो रही थी उन इश्यूज को लेकर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक नेतृत्व किया और उनके साथ नारियों ने एक सहभागिता की। अगर हम देखने की कोशिश करें, उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो पेड़ थे, नारी को अपने घर के डेली के काम जैसे चूल्हा के लिए लकड़ी लेने बड़ी दूरी पर जाना पड़ता था, लेकिन जब वहां पर क्रिकेट के बैट्स के लिए सरकार के द्वारा प्राइवेट निजी कंपनियों को जब लकड़ी दे दी गई और जो कंपनियां थी उन्होंने शराब की जो शुरुआत की ताकि वहां के पुरुषों को बरगलाया जा सके और उनसे उनके पेड़ ले लिए जाएं,
तो इसका जो सीधा सीधा प्रभाव था एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभाव नारियों के जीवन पे था, एक परिवार व्यवस्था पे था। पहला, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो समाज है, जो ट्राइबल सोसाइटी है, वो नेचर के तो निस्संदेह क्लोज है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा जो वास्तविक जो प्रश्न था वो नारी के अपने अधिकार थे। क्योंकि जब पेड़ कटेंगे तो नारी को अपने घर से और दूर जाना पड़ेगा सामान, अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और उसका जो वर्क था वो बढ़ता, तो और जो घर के जो पैसा जो आ रहा था उसको पति शराब पी रहा था, तो इससे समाज के घर के क्लेश बढ़ रहे थे, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा था, और इस वजह से महिलाओं ने एक निश्चय किया कि अब समय आ चुका है जब एक जो बाहर से आए हुए जो बिजनेस फर्म्स हैं, जो व्यापारी लोग हैं, इनका विरोध किया जाए और सरकार का विरोध किया जाए। और एनवायरमेंट के नाम पर ये लोग पेड़ों से जाके चिपक गई और बोला कि पेड़ों को काटने से पहले आपको हमको काटना पड़ेगा। और यहीं पर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद आते हैं और वो लोग इनको लीड करते हैं और फाइनली सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ती है। और यहीं से भारत में एक नारी आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन का मिला जुला रूप हमको देखने को मिलता है। इसी समय पर जब नारी इसी समय पर जो 80 का जब दशक आता है तो हम आंध्र प्रदेश में एंटी ताड़ी या ताड़ी विरोधी आंदोलन देखते हैं। ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है ये भी नारियों के द्वारा शुरू किया जाता है, धरने प्रदर्शन के जरिए, पतियों के साथ भी तिरस्कार की भावना के जरिए किया गया। क्योंकि ये जो आंदोलन थे ये ताड़ी का विरोध ना होके उस नारी के जीवन में जो समस्याएं आ रही थी, महिलाओं के जो अपनी समस्याएं आ रही थी, किस तरीके से परिवार व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, किस तरीके से पति जो मारपीट करता था उसके विरोध का आंदोलन था, बच्चों की शिक्षा, फ्यूचर जनरेशन के लेके जो उनके कंसर्न थे उसको लेके एक आंदोलन था। वहीं कर्नाटक में एपिको नामक एक आंदोलन शुरू हुआ, वो भी एनवायरमेंटल आंदोलन था लेकिन नारियों के द्वारा ही ड्राइव किया गया। यहीं पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो हर पार्टी ने जब चूकी ये, और एक और देखिए ये अचानक यूं ही नहीं हो रहा है, या फिर एक इसको कोइंसिडेंस कहिए कि उसी समय पर इंडियन पॉलिटिक्स में जब स्वतंत्र नारीवादी दृष्टिकोण आ रहा है तो उसी समय पर भारतीय पहली महिला प्रधानमंत्री और अभी तक की एकमात्र जो महिला प्रधानमंत्री हुई है इंदिरा गांधी जी, वो भी उसी समय पर राजनीतिक पटल पर आ रही हैं, राजनीति के फील्ड में आ रही हैं। तो कहने का अर्थ कहीं ना कहीं एक कोइंसिडेंस ना होकर एक कोरिलेशन है इस चीज में। तो जो नारी जब इंदिरा जी आई तो इसके बाद से हर पार्टी ने, और जब नारियों को जब बाहर निकलने लगी, शिक्षा प्राप्त करने लगी, तो इसके आधार पर जो इनर्शिया जो ब्रेक हो रहा था, हर पार्टी ने अपनी एक महिला विंग बनानी शुरू कर दी। चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो, हर पार्टी की अपनी एक महिला विंग थी। और इसी समय पर महिला आयोग बनने लगे, बहुत सारे एनजीओ जिन्होंने महिलाओं के हितों के लिए, महिलाओं के कंसर्न को लेके एक स्वतंत्र जो है बातें करनी शुरू की। इसी सब की वजह से 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन किया गया, और इसने महिला संबंधी मुद्दों पर जो भी, इसको एक सिविल कोर्ट का अधिकार होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का, और कोई भी अगर महिला के साथ एट्रोसिटीज होती है तो सू मोटो भी ये लोग उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नारी अधिकारों को लेकर एक चेतना आई। तो लेकिन इस जो चरण है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वतंत्र नारी के प्रश्न को लेकर उठाया गया। दूसरा, इस दौर में जो मुद्दे उठाए गए, नारियों का किस तरीके से क्लास इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैसे जातिवादी शोषण हो रहा है, कैसे धर्म के आधार पर शोषण हो रहा है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में शोषण हो रहा है, कैसे बाजार व्यवस्था में शोषण हो रहा है, कैसे राजनीति में शोषण हो रहा है, कैसे शैक्षिक क्षेत्र पर शोषण हो रहा है, कैसे डोमेस्टिक वर्क पे शोषण हो रहा है। तो कहने का अर्थ समाज ये जो चरण है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चरण है। इस चरण में जो महिलाओं ने जो मुद्दे उठाए, अपने निजी जीवन के उन कॉम्प्लेक्स मुद्दों को उठाया जिन समस्याओं को महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। अगर हम इस चरण में देखें तो हमारी मीडिया, सिविल सोसाइटी ने भी, के साथ साथ जो सोशल मीडिया है उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि हम दामिनी के केस में देखते हैं कि पूरी सोसाइटी वाइब्रेंट हुई और देश भर में प्रोटेस्ट हुए, और जिन जस्टिस वर्मा को एक रिकमेंडेशन देनी पड़ी, और जिन लोगों ने उसके साथ रेप केस किया उनको
फांसी की सजा दी गई और एक देश में महिलाओं को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, जो कि एक हमारा साइड में गया हुआ, हमारे बैकयार्ड में गया हुआ मुद्दा था, उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया और आज इस तरीके के मुद्दे, नारी अस्मिता चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे हैं और मन की बात में प्रधानमंत्री जी हमेशा नारी सुरक्षा की बात करते ही रहते हैं। लेकिन इस दौर में जो नारी आंदोलन हुए, जो एनजीओज बने और जो हर पार्टी का जो नारी समूह बने, उनकी कुछ सीमाएं भी रही, उनको हमको देखना होगा। पहली सीमा ये है कि ये स्वतंत्र रही है, कहने का अर्थ है आर्थिक जरूरतों के लिए या तो ये आर्थिक जरूरतों के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी पर निर्भर है या बाहर से फंडिंग पर स्वतंत्र नहीं है। दूसरा इनका दूसरी समस्या ये है कि जब कभी राजनीतिक हित और नारी के हितों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो जो राजनीतिक हित है वो सुपरसीड कर जाते हैं। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि सपोज मान लीजिए एक्स पार्टी की सरकार अभी दिल्ली में है, लेकिन कोई क्राइम होता है महिला के प्रति, तो वाई पार्टी का जो वुमेन ग्रुप है वो प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन एक्स पार्टी का वुमेन ग्रुप साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि वो इसको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से जोड़ के देखता है, पॉलिटिकल अधिकारों के आधार पर देखता है। तो लेकिन इस वजह से समस्त नारी समूहों के बीच में एक कोहेशन नहीं बन पा रहा है और एक यूनिटी नहीं बन पा रही है, जिस वजह से नारी अधिकार का विषय आज भी उस तरीके से नहीं उभर कर आ पा रहा है जिस तरीके से आना चाहिए, और जो राजनीतिक हित है वो नारी अधिकारों के ऊपर नारी समूह अब एक वेटेज देते हैं। तीसरी चीज अगर हम देखें इसमें, तो जो हमारे जो बहुत सारे जो एनजीओज हैं जो नारी के क्षेत्र में काम करते हैं, नारी अधिकारों के क्षेत्र में काम करते हैं, वो नेगोशिएटिंग वे में नहीं होते, नेगोशिएटिंग मॉडल में काम नहीं करते हैं, वो या तो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं या फिर अगर एक्शन लेते भी हैं तो वो जो एक्शन होता है वो काफी रिजिड होता है, डिमांड बड़ी रिजिड डिमांड होती है, रिजिड डिमांड। चौथी जो समस्या है वो ये है कि ये जो हमारे जो नारी समूह हैं ये पोस्टमार्टम करते हैं, ये जब समस्या घट जाती है उसके बाद जाते हैं, प्रिवेंटिव ना होकर ये क्या है, पोस्टमार्टम करते हैं, प्रिवेंटिव नहीं है और पोस्टमार्टम करते हैं, कहने का मतलब सब परीक्षण करते हैं। ठीक, इसके साथ अगर हम देखें इसमें एक और समस्या उभर कर आ रही है कि जो हमारे जो पार्टिसिपेशन है वो या तो अपर क्लास का है या अपर मिडिल क्लास का है, अपर मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का पार्टिसिपेशन नहीं है। वहीं हमारे जो नारी समूह है वो क्लास और कास्ट, क्लास के साथ साथ कास्ट बाइज्ड भी है। सामान्यतः जो नारी समूहों में जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्लूसिव ना होकर, सभी धर्मों का ना होकर, कुछ विशेष जातियों का, स्पेशली हाई कास्ट का पार्टिसिपेशन है, तो क्लास के साथ कास्ट बाइज्ड भी है और रीजनल क्षेत्र पर भी बाइसनेस है। अमीर फैमिलीज की लेडीज नेताओं, जो हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है उनकी महिलाएं, प्लस एक जो हमारा इस समय पर एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके घर की महिलाएं और अपना इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और कई बार तो हमारे जो नारी समूह है ये किटी पार्टी के टूल बन गए हैं, और फेसबुक पर सेल्फी अपलोड, जो विक्टिम है, जिस नारी के साथ या महिला के साथ शोषण हुआ है उसको ये लोग अपनी किटी पार्टी और सेल्फी के लिए और एक फेसबुक पे फोटो अपडेट के लिए एक कवर पेज का एक वो ऑब्जेक्ट बना के पेश कर रही है, न कि उस वर्ग के प्रति, उस महिला के प्रति एक मन में संवेदना है। इस तरीके की घटनाएं आज सोशल मीडिया के दौर में देखी जा रही है, एक संवेदनशीलता नहीं है, एक अपने वर्ग के प्रति उस तरीके से एक सहानुभूति नहीं है जैसी होनी चाहिए, और हम कई बार उस महिला की आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज कर देते हैं ये ग्रुप या ये महिला ग्रुप, जिसकी आइडेंटिटी को इनको रिवील नहीं करना चाहिए, केवल इसलिए कर देते हैं, कई बार इनको जानकारी नहीं होती है, और कई बार उस अपने फोटो को इसलिए डाल देते हैं ताकि एक स्टेटस सिंबल, कितने लाइक्स आने हैं और कितने वीडियो शेयर होने हैं।
तो कहने का मतलब है उस तरीके की संवेदनशीलता नहीं है जिस तरीके की संवेदनशीलता की इन समूहों से अपेक्षा की जाती है। वहीं लेकिन जिस तरीके से 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया और विभिन्न प्रकार के वर्क प्लेस पे जो कार्य क्षेत्र पर जो शोषण किया जाता है उसको लेके वो आया, इसी दौर में जो 80 के दशक में जो एंटी डॉबरी एक्ट जो आया, इन सब ने मिलके समाज में कहीं ना कहीं नारी के अधिकारों को एक सुरक्षित करने की राह चलाई है और लोगों की जो पैट्रियार्कल जो मानसिकता है उसको दूर करने की कोशिश की है। और जब समाज में एक पैट्रियार्कल मेंटालिटी दूर होगी तो नारी एक स्वतंत्रता एंजॉय करेगी। और जैसा कि लोहिया साहब कहते हैं कि अगर आप किसी भी वर्ग को स्वतंत्रता देते हैं तो स्वतंत्रता देने का अर्थ है कि जब आप उसको स्वतंत्रता देते हैं तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को क्या करती है, इंटरेक्ट कर पाती है और उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। और जब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो व्यक्ति की क्षमताएं बढ़ती हैं, अपॉर्चुनिटीज या मौके बढ़ते हैं, मौकों को बढ़ते हैं, मौके जब बढ़ते हैं तो उसके बाद व्यक्ति क्षमताओं को, मौकों के अनुसार क्षमताओं को जब प्राप्त करता है तो फिर से उस क्षमता के आधार पर वो स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि अगर आप स्वतंत्रता देते हैं तो आप समाज में एक मौकों का और क्षमता का और फिर स्वतंत्रता का एक विशेष साइकिल बना देते हैं। और इसी आधार पर वे कहते हैं कि अगर हमको अपनी नारी को स्वतंत्रता देते हैं तो हम अपनी जीडीपी से लेकर सामाजिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक व्यवस्था से लेकर हर जगह पर हम नारी का नारी एक एक समावेशी समाज की स्थापना कर पाए। लेकिन आज भी हमारे पॉलिटिकल उसमें ये कितनी बड़ी विडंबना, रवांडा जैसे देश जहां पे 50% पॉपुलेशन 50% पार्टिसिपेशन वहां की पार्लियामेंट में महिलाओं का है और हमारे यहाँ पे अभी पहली बार 10% या 11% के आसपास लगभग महिलाओं का हमारी इस बार पार्लियामेंट में हुआ है। अभी एक और प्रश्न उभर कर आता है, वो ये प्रश्न है कि क्या महिलाओं को एमपी और एमएलए के चुनाव में, हमारी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव के चुनाव में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक डिबेट है, इसको लेकर सभी सामान्यतः जितनी भी नेशनल पार्टी हैं वे कहती हैं कि महिलाओं को एक रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इस बिल को राज्यसभा में कांग्रेस लेके आई और उन्होंने कहा, सॉरी कि जो ये जो बिल था, सॉरी इस बिल को लेके बात आई कि कांग्रेस ने ये कहा, ये जो बिल था शुरुआत में कि हमको भी नारियों को हम रिजर्वेशन के हितैषी हैं और बीजेपी ने भी कहा कि हम भी इसके हितैषी हैं। लेकिन आप वस्तु स्थिति देखिए कि कांग्रेस का कहना था कि राज्यसभा में इन्होंने इस बिल को पास करा दिया लेकिन लोकसभा में उस समय चूंकि 206 नंबर इनके पास था और 273 वैसा चाहिए और रिजर्वेशन के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी बात करें तो लगभग 350 के आसपास इनको वो चाहिए था। अब देखिए बीजेपी भी इस महिलाओं के रिजर्वेशन का हितैषी है, रीजनल पार्टी में समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव इसका विरोध करते हैं, उनके अपने आर्गुमेंट से उनको समझेंगे। कहने का अर्थ है कि कांग्रेस चाहती है इसको पास कराना, राज्यसभा से पास हो गया है लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ था। लोकसभा में 206 सीट कांग्रेस के पास थी, लगभग 143 सीट बीजेपी के पास थी, इन दोनों पार्टी की मिला के सीट 349 होती है। AIDMK और अदर जो पार्टीज थी, शिवसेना, NCP, सभी पार्टीज ने DMK ने समर्थन दे रखा था लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं इसके लिए दोनों ही, हमारी जो नेशनल पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है, इक्वली रेस्पॉन्सिबल है कि उस समय पर यह बिल पास नहीं हो पाया। वर्तमान सरकार में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, नारियों को अधिकार देने की बात हो रही है लेकिन वास्तविक अर्थ में नारियों को पार्लियामेंट में उनके अधिकार को सुरक्षित करने की
कोई भी बात पिछले 3.5 साल में नहीं होती है। ये एक चिंता का विषय है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो नारी अधिकारों को लेके कितना सचेत है और कितना चिंतित है। अगर हम देखें कि जो रीजनल पार्टी थी, समाजवादी पार्टी और जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, उनके क्या आर्गुमेंट है, क्यों वो इसका विरोध करते थे। उनका कहना है कि अगर ये महिलाओं का जो रिजर्वेशन मिल जाएगा तो ये एक तरीके से हाइक, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिलेगा इसमें हम कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हाई कास्ट की महिलाएं इनडायरेक्टली आएंगी और वंचित वर्ग की महिलाएं पीछे चलती चली जाएंगी, ओबीसी और एससी की महिलाएं पीछे चली जाएंगी और उनका पार्टिसिपेशन और उनकी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये बड़ा ही एक छद्म आर्गुमेंट है। अगर पहले एक बार महिलाएं आएंगी, वो लेजिस्लेट करेंगी और महिलाओं का जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो अन्य वर्ग की महिलाएं भी आएंगी, ओबीसी की महिलाएं भी आएंगी और हर वर्ग की महिलाएं आएंगी और हमारी एक डेमोक्रेसी को मैच्योर करेगी। तो इसलिए यह राजनीतिक वर्ग की, नेशनल पार्टीज की एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जल्द से जल्द महिलाओं के लिए मिनिमम 33% रिजर्वेशन का प्रोविजन पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव इलेक्शन में करें। दोस्तों, हमने पूरे जो महिला मूवमेंट के जो चरण है उनको समझा, क्या क्या समस्याएं हैं महिला समूहों की उनको भी देखा, महिला रिजर्वेशन के बिंदु को भी देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और हमारी टीम के इस कार्य को आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखें ताकि हम आपके कमेंट के बेसिस पे जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें और हमारा मोटिवेशन भी हाई हो कि हम आगे और भी वीडियो बनाने के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। एक और बार मैं इक्विटी एजुकेशन चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का शुक्रिया करता हूं और शुभरात्रि मित्रों, धन्यवाद।